नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे के फिजा में सियासी रंगत घुलती जा रही है, चुनावी रण का ऐलान हो गया है, आचार संहिता भी लग गई है। कमल और हाथ के दिग्गज जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं और नेता टिकट के जुगाड़। कुमारी शैलजा और प्रकाश जावड़ेकर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, तो वही कांग्रेस ने 50 सीटों के संभावित जिताऊ उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। बस बाकी है तो राहुल गांधी की अब मोहर लगना। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते टिकटों की पहली सूची जारी की जा सकती है और इस बीच मरुधरा का सियासी मिजाज भापने के लिए राहुल गांधी कल से 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और दौरे का आगाज होगा डांग से, जहां हाथ के कर्णधार भरेंगे हुंकार। तो क्या राहुल गांधी का दौरा डांग सियासत को नया आकार देगा? क्या उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर कांग्रेस सियासी बढ़त बनाने की तैयारी में है और क्या रहेगा प्रकाश जावड़ेकर और कुमारी शैलजा का एक्शन प्लान और वार पलटवार के तर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा सूबे में सियासी संग्राम? जी हां, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मुकेश पारेख जी, कांग्रेस नेता रतन देवासी जी, आप नेता दीपेंद्र सिंह जी और साथ ही बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता शशि शर्मा भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रतन जी, राहुल गांधी कल आ रहे हैं, बीकानेर को चुनने की वजह क्या है? क्योंकि वही शहर, वही मैदान और अमूमन वही मुद्दे रहेंगे। अमित शाह भी आए थे और अब राहुल गांधी। बिल्कुल, राहुल जी जो है वो पूरे स्टेट में अलग अलग जा रहे हैं। एक फेस इनका ये है जहां वो रोड शो कर रहे हैं धौलपुर में और अन्य जगह पे, और एक फेस ये है कि वो बीकानेर में जाके रैली कर रहे हैं। तो ये तो जो क्रम है वो चलता ही जाएगा और कांग्रेस प्रेसिडेंट के हिसाब से वो और भी काफी जगह अभी आएंगे आने वाले समय में, यानी कि और भी दौरे उनके होंगे। लेकिन डांग की सियासत को क्या बदल सकेंगे, क्योंकि नाराजगी तो वहां देखने को मिल रही है कांग्रेस में भी? देखो, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है। राजस्थान प्रदेश की जनता कांग्रेस को वोट देना चाह रही है, कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो कई बातें भी आएगी जहां ज्यादा लोग टिकट मांगने वाले भी आएंगे और सारी चीजें होगी। पर मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने जितनी भी रैलीज यहां की है, भले उदयपुर डिवीजन में की हो या कहीं भी की हो, हमने देखे कि किस प्रकार से लोग जो है उस रैली के भागीदार बने हैं और किस प्रकार का उत्साह वहां आम लोगों में उस डिवीजन के या उस जिले के संबंधित लोगों में रहा है। तो ये तो उत्साह दिनों दिन हमको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। कांग्रेस को देखते हुए, राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए लोगों में उत्साह है, ये आप कह रहे हैं। मुकेश जी, अब अगर बीकानेर में राहुल गांधी आ रहे हैं, अमित शाह भी आए थे, आपको क्या लगता है कि अमित शाह की जिस तरह से रैली थी उसको टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? क्या आपको लगता है कांग्रेस जिस तरह से संतुष्ट है और संतोषजनक अपनी तैयारियों को लेकर और वापसी को लेकर, उसे तोड़ पाएगी बीजेपी? नहीं, ये मैं कोई टक्कर नहीं मानता। और जब चुनाव होते हैं तो ये नेचुरल है कि जो भी सामने पार्टी है वो आपस में अपना अपना प्रचार अपने अपने तरीके से करती हैं। राहुल गांधी कहाँ आते हैं कहाँ नहीं आते वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो भी लोकप्रिय नेता है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो भी जनप्रिय हमारे नेता है, वो विभिन्न स्थानों पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जिस प्रकार से विकास के आयाम स्थापित हुए हैं और साथ ही साथ चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, सभी का इस सरकार ने एक विकास किया है, एक गति दी है प्रदेश को, और वो गति की निरंतरता रहे, ये जनता तक पहुंचे और जनता को, जिन वास्तव में जिन लोगों को इन विभिन्न फ्लैगशिप स्कीम्स वगैरह से जिनको लाभ हुआ है, हमने वो भी जनता के सामने वो लोग भी आए हैं और इनके लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और भी आगे बढ़ती रहती है। सारी ये बीजेपी का निशा कर रहा है मुकेश जी, कि अब लाभार्थी जो थे, योजनाएं जो थी उसको लेकर, लेकिन कांग्रेस इसके इतर ही बातें करती है। शशि शर्मा जी भी हमारे साथ बीकानेर से बने हुए हैं। शशि जी, प्रभारी हैं आप राहुल गांधी की रैली को देखते हुए, कांग्रेस से हैं आप, तो बिल्कुल आश्वस्त है आप तैयारियों को लेकर और राहुल गांधी आ रहे हैं? डांग सियासत की बात की जाए, क्या लगता है कि राहुल गांधी के आने के बाद यहाँ पर जो रूठे हैं उन्हें मनाया जा सकेगा, नाराजगी को दूर की जा सके? श्वेता जी, धन्यवाद, आपने मेरे से बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बीकानेर के अंदर जो माननीय राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी की रैली होने जा रही है, वो एक राजस्थान की ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। यहाँ पर हम कम से कम 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे करेंगे। ये वही पंडाल है जहाँ पर अभी 4 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके गए थे और मात्र 3,000 आदमी इकट्ठे हुए थे।
और इससे ये हम तय करना चाहते हैं। हाँ जी, अमित शाह पधारे थे तो उन्होंने यहाँ पे रैली की थी और पंडाल भी लगाया था, लेकिन उसमें मात्र और मात्र 3 से 4 हजार आदमी थे। और हमारा ये दावा है कि हम यहाँ पे 5 लाख व्यक्ति इकट्ठे करेंगे। और दूसरा जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पे आपस में फूट है या कोई है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे बीकानेर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। सारे संभाग से एक उत्साहपूर्ण जो है वो हमें समाचार मिल रहे हैं और जगह जगह से बसें और चलिए एक मिनट का वक्त यहाँ पर पूरा हो गया। शशि जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास शशि जी, क्योंकि पहला राउंड है, सबको एक एक मिनट दिया जा रहा है, इसके बाद आप अपनी बात खुले तौर पर रख सकते हैं। दीपेंद्र भी हमारे साथ हैं। दीपेंद्र, आपकी अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर अगर बीजेपी के अमित शाह आ चुके हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी भी आ रहे हैं, बीकानेर को ही चुना जा रहा है, तो क्या आपकी तरफ से, यानी कह सकते हैं क्या केजरीवाल साहब भी आएंगे, उनके भी दौरे होंगे या वो भी बीकानेर को ही चुनेंगे? नहीं, बिल्कुल, उनके हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी के दौरे 28 तारीख से शुरू होने वाले हैं, लेकिन उनकी शुरुआत जयपुर से हम करने जा रहे हैं। वो पूरे राजस्थान में आएंगे, पूरे राजस्थान में घूमेंगे, जबकि हमारे युवा क्रांति सम्मेलन के नाम से सम्मेलन चल रहे हैं, हर लोकसभा पे चल रहे हैं और बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से। देखिए, इन्हें जनता की याद केवल जब चुनाव होता है तभी आती है। हम पिछले 4 महीने से जनता के बीच में घूम रहे हैं और मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, वो जनता से पूछ के तैयार किया जा रहा है, हम उनके मुद्दों को उनमें शामिल कर रहे हैं। आपका कहना है इन्हें, यानी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों को बीच में सुध नहीं लेते कोई जनता? बिल्कुल नहीं सुनाई, आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं आते। उससे पहले कोई इनकी बड़ी रैली नहीं दिखाई देती है, ये जनता के बीच में जाते नहीं है। अगर जा भी रहे तो जनता में भारी विरोध इनका देखने को मिल रहा है। ये काले मतलब कपड़े पहनने तक नहीं लोगों को दे रहे हैं, मतलब इस तरह का इनको खौफ हो गया है कि कोई काला कपड़ा पहन के आ भी जाता है तो उसे रैली से बाहर भगा दिया जाता है। और युवा इतनी तरह परेशान है, उनको लफंगे कह दिया जाता है, रैली में आते उन्हें लफंग कह दिया, उनको बाहर फेंक दीजिए, उठा के बाहर फेंक दीजिए, बुरी तरह से युवा विरोध। ये सब यानी कि आप में नहीं रहेगा, आपने ऐसा नहीं, आप बिल्कुल, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम सेकंड राउंड की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बिग फाइट में सेकंड राउंड की शुरुआत करते हैं, नॉकआउट राउंड है, कोई भी अपनी बात कभी भी रख सकता है। रतन जी, अगर प्रकाश जावड़ेकर हैं, कुमारी शैलजा हैं, दोनों ने कमान संभाली हुई है प्रदेश में, लेकिन आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी का आना बीजेपी के लिए फायदेमंद ज्यादा है, कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि वो आते हैं जिस जगह भी वहां हारते हैं। ये एक बड़ी बात उन्होंने राहुल गांधी के लिए कह दी। मेरे ख्याल से प्रकाश जावड़ेकर जी अगर बीजेपी के सीनियर नेता और सेंट्रल मिनिस्टर है तो मैं समझता हूं कि जब वो बात करते हैं तो उनको खुद को अपने आप का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उनको तथ्यों के आधार पर अपनी बात, इनके गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कैसे चुनाव होगा, उसके बारे में कहना चाहिए। केवल राहुल गांधी जी के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट देके जो उनके खुद के कद को भी शोभा नहीं दे, तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ बात करें। प्रकाश जावड़ेकर जी को कोई समझना चाहिए कि इन्हीं लोगों ने गुजरात में कहा था कि राहुल गांधी जी इन इन सीटों पर गए वहां हारेंगे। राहुल ही क्यों निशाने पर, ये बात कहना क्या, यानी राहुल गांधी अगर कोई भी बड़ा नेता आता तो अपनी पार्टी को जिताने के लिए आता है? निश्चित रूप से राहुल गांधी ही निशाने पर रहेंगे और रहना चाहिए। कांग्रेस ने, हमने इनसे कई बार पूछा, जनता ने पूछा कि आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, तो इन्होंने कहा ये चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से जब राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं तो राजस्थान में हो चाहे और कहीं हो, राहुल गांधी निशाने पर रहेंगे। जो जहाँ तक बोलने वाली बात है, राहुल गांधी ने गत मीटिंग में जो भाषा बोली थी, जिस शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया था, मेरे ख्याल से उसको किसी ने भी अच्छा नहीं बताया, वो शोभनीय नहीं है। आपके नेता क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी चोर है, खानदान चोर है, आज वीरेंद्र जी ने इस तरह की बातें कही। मैं आ रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। देखिए सर, सियासत में दोनों ही पार्टियों का गिर रहा है, बातचीत में, शब्दों में, प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छा नहीं लगता है। और जो राहुल गांधी जी ने जो भी किया है, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप उनका व्यवहार भी कहता है, 2-3 उनके ऐसे उदाहरण हैं। रतन जी लगातार आरोप आपकी नहीं है, आप अध्यक्ष पर लगा रहे हैं, मुकेश जी बिल्कुल नहीं, देखिए टू द पॉइंट बात करते हैं सर। नहीं, टू द पॉइंट ही है। रतन जी, या यस, बिल्कुल शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं नेता। अब अगर राहुल गांधी इस तरह से बोल रहे हैं कि देश का चौकीदार चोर है, तो इधर राहुल गांधी को चोर, उनके खानदान को चोर, इस तरह के शब्द अब सियासत में ये सुनने को मिलेगा? मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट, उन्होंने कहा जब एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड कह रहा है कि मैं चौकीदार रहूंगा, आप लोगों की रक्षा करूंगा, आपकी संपत्ति का, आपकी जगह का, उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो फिर चौकीदार को चोर कहा है ना। उन्होंने ये कहा कि चौकीदार आपको बिठाया गया, आपने खुद ने कहा, हमने तो नहीं कहा। अच्छा आप तो क्या भाषा यूज कर रहे हैं? आप बिना कोई स्टेटमेंट जिसको एंडोर्स किए हुए, किसी स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट कह रहे हैं, ये बात है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और जो यूपीए सरकार थी और विशेषकर UPA 2 उसके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए, देखिए एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मुझे कहनी चाहिए आपके माध्यम से।
कि कांग्रेस कोई भी आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है बिना तथ्यों के और आधारहीन लगाती है। आज तक ये एक आरोप जो इन्होंने लगाया हो और उस पर कभी इन्होंने कानून का या कोर्ट का सहारा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने आरोप थे, जितने आरोप थे, आज सुप्रीम कोर्ट को आप जाइए ना, आप जाइए ना कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेफरल डील पे हमने जो आरोप लगाया, आरोप लगा देते कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। चलिए मुद्दे की बात होगी क्या मुकेश जी, इस बार चुनाव में मुद्दों की बात होगी क्या, क्योंकि मुद्दे कहीं नजर नहीं आते, मुद्दे कहीं नजर नहीं आते। बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है आरोप, कांग्रेस बीजेपी पे, और जिसकी सरकार होती है उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, अपने कार्यकाल को गिनाया जाता है कि हमने इतने अच्छे काम। मुद्दे की बात कब करेंगे आप? बिल्कुल, ये मुद्दे मुद्दा विकास है ना, हमारा मुद्दा विकास है, इनकी सरकार हम विकास की बात कर रहे हैं। रतन जी, मुद्दा बीजेपी का विकास है, आपको जानकारी नहीं है राजस्थान में, राजस्थान के ये चुनाव तो मैं बताता हूँ आपको, आपका आपका सवाल जो है वो बिल्कुल सही है, आपका सवाल सही है, आप आपने जो पूछा था बताया था विकास का, विकास की बात आपने की है, विकास हुआ का है? विकास नहीं हुआ है। बात की जाए तो क्या कोई भी बागी नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं नेता जो यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे, जावड़ेकर जी से, जी मैं जावड़ेकर जी से कहना चाहता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी राहुल गांधी जी आएंगे तो वहाँ पर हार निश्चित है, तो आप इनसे ये कहिए कि आप यहाँ पे कोई प्रचार प्रसार मत करना, आपकी तो सीटें तय होगी। ये सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर जब राहुल गांधी गए तो इनके सारे हिसाब किताब बिगड़ गए। तो ये अब इनको जो आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी को ही टारगेट क्यों बनाते हैं, तो इनको बीजेपी को पूरा पूरा भय राहुल गांधी जी से लगता है, कभी ये व्यक्ति हमारे को कभी ना कभी राजस्थान के अंदर ये झूठ के अलावा कुछ नहीं। कोई बहन ने गुजरात में कहा कि राहुल गांधी जी जहाँ गए, जहाँ दर्शन करने गए, जहाँ प्रचार करने गए, उस जगह पे कांग्रेस हारेगी, मगर आप देखो वो समस्त जगह पे कांग्रेस जीती है। नहीं, अभी इन्होंने दो बातें बोली आपके बीकानेर से, शशि जी बोल रहे हैं, देखिए बड़ा हास्यास्पद बात बोली इन्होंने कि वहाँ पर 3000 आदमी थे। आप तो शशि जी हमारे साथ काम किए हुए हो, भूल गए, आप गिनती थोड़ी ढंग से कर लेनी चाहिए कि 3000 आदमी थे, कितने आदमी थे, और वो हमारा, सुनिए आप सुनिए एक मिनट, और हमारा कार्यक्रम भी जो था वो बीजेपी का था, कार्यकर्ताओं का था, और आपने 3000 थोड़ी संख्या गिन लो, गिनती को कोई गिनती जानता हो उसको गिनवा लो। और रही बात, मैं उस पर नहीं जाना चाहता बहुत ज्यादा, लेकिन हमको राहुल गांधी आवे या सोनिया जी आवे या और कोई आए, हमारे को किसी का डर नहीं लगता, ये चुनाव है और हमारे पास विकास है और हमारे विकास का काम है। कोई भी यहाँ पर बागी नहीं है, किसी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर डांस सियासत की बात कर ले, कल वहीं पर जा रहे हैं राहुल गांधी, डांस सियासत की बात कर ले, विश्वेश सिंह की नाराजगी सबको पता है शशि जी, चलिए शशि जी, विश्वेश सिंह की नाराजगी सबको पता है, मुकेश जी एक मिनट, शशि जी आप कह रहे हैं कि कोई नहीं, अगर डांस सियासत की बात करें, क्योंकि कल वो रहेंगे भरतपुर में, वहां पर भी तो नाराजगी दूर करने की कोशिश ही करेंगे, विश्वेंद्र सिंह की नाराजगी है, भले ही वो कांग्रेस में है तो क्या हुआ जी? क्या इससे डांग सियासत को नया आकार देंगे राहुल गांधी वहां पहुंचने पर? जी, ये देखिए जो ये 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 उनकी कार्यशैली बताती है कि अपने कार्यकर्ता को किसी भी तरीके से नाराज नहीं लेने देंगे और उनसे व्यक्ति से मिलके और सबसे बात करेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं बनाया रतन जी? एक परिवार अभी तक क्यों नहीं बनाया? विश्वेश सिंह जी की नाराजगी तो है, देखिए उससे राहुल जी खुद मिलके बात करेंगे, उनका वो जितना कद वहाँ पर है भरतपुर की बात कर ले, डांग सियासत में उनको वो वैल्यू कांग्रेस में प्रदेश में नहीं मिलती, ऐसी बातें निकल कर आती है और उनको नाराजगी इस बात को लेकर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कल देखना कि कल काफी अच्छा बेहतरीन आपको माहौल देखने को मिलेगा, जिस उत्साह और उमंग के साथ में वहां आम आदमी के साथ में सब लोग लगे हुए हैं, उससे आपको कल निश्चित तौर पे पता चलेगा कि कांग्रेस और वहां की जनता जो है वो किस तरीके से ये संदेश देना चाहती है कि जो 5 साल का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हुआ है, 5 साल में जो विकास नहीं हुआ, इनके एमएलए एमपी कई बार हमने अखबारों में पढ़ा है जो कहते आए कि हमारे साल ही विकास रुक रहा है, इससे पहले हमेशा विकास हुआ है प्रदेश। कांग्रेस की योजनाएं जो थी उसको 5 साल में इन्होंने ठप कर दिया। आप फील्ड में जाके देखिए, मैदान में देखिए, आप फ्री मेडिकल बन गए, जन सुरक्षा योजना बन गए, फ्री मेडिसिन, अशोक
सवाल मेरा है कि अगर उन्होंने कहा कि जो योजनाएं उसे बंद वो नहीं करेंगे, दो बातें हो सकती है कि उनके उनके वक्त की अगर योजनाएं बंद की इन्होंने इसलिए ये नहीं करेंगे, या फिर वाकई योजनाएं इतनी अच्छी है कि बंद नहीं किया जाए। हमेशा ये हुआ है 2003 से जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2008 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद में 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने अपनी 3 और 13 की सरकार के अंदर कांग्रेस की समस्त योजनाओं को जो है वो ठंडे बस्ते में डाला क्योंकि इनका ईगो सेटिस्फाई करना था। कांग्रेस ने कभी ये चीज नहीं कही और उसी संदर्भ में ये बयान हो सकता है कि हम अगर जनता के हित में, इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के विकास के लिए, आम योजनाओं के लिए और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अगर कोई अच्छा फैसला लिया हुआ है तो उस फैसले को हम जारी रखेंगे क्योंकि वो फैसला इस राजस्थान के प्रदेश के आम नागरिक के लिए वो फैसला है। इन लोगों ने वो फ्री मेडिसिन का उदाहरण दिया, हमने फ्री मेडिसिन उस समय सिर्फ फ्री मेडिसिन मिलती थी और सारी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आज फ्री मेडिसिन भी मिलती है और गरीब आदमी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी फ्री होता है। आप कौन सी बात कर रहे हैं, हर योजना को इतना प्रभावी और इतना महत्वपूर्ण बनाया, बिल्कुल सही है। गरीब आदमी का पूछिए प्राइवेट अस्पताल में जिस आदमी का इलाज हो रहा है उससे पूछिए, आप तो जनता यही देख रही है। अब आप लाख कहा जाए, अगर किए होंगे काम तो जनता साथ जाएगी, अगर योजनाएं जनता के हित में है जनता आपके साथ जाएगी, नहीं तो जनता के पास ऑप्शन भी है, वो जाएगी किसी और के साथ। बिल्कुल सही, ये क्या सवाल है, बीजेपी कांग्रेस दोनों से क्या सवाल है। मुकेश जी बात भी सुनिए, मुकेश जी बात भी सुनिए, भितरघात किसमें आ सकता हो सकता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात की है। जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि किसी में नाराजगी नहीं है, कोई बागी होके नहीं जाएगा, सब जिस तरह साला कमान कहेंगे वही होगा, लेकिन एक्चुअल जब टाइम आता है, जो वक्त आ चुका है, उसमें ये देखने को मिलता नहीं है। अगर विश्वेंद्र सिंह जी की बात करें, उनकी नाराजगी है तो मानवेंद्र सिंह भी जा रहे हैं कांग्रेस में। देखिए अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो आप सुनिए, आप कहते हैं भीतरघात और वो बात, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है कांग्रेस में। पहले सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी तक ही आप रहिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी क्या बयान दे रहे हैं उनके अर्थ निकालिए। अशोक गहलोत जी ने क्या कहा है कि कुछ लोग प्रचार करते हैं और अपना अखबारों में और मीडिया में छा जाते हैं अपना नाम, किसके लिए कहा है, कोई विपक्षी पार्टी के लिए नहीं कहा उन्होंने, ये उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए कहा। अब आप सुनिए, अब आप अंदर की बात करते हैं, बाहर की दिखती हुई बात करिए, आप दिखती हुई बात करिए। एक अहम बात ये है कि चलिए अमित शाह आए, पीएम मोदी आए यहाँ पर, आप लोगों ने भी बहुत डंका बजाया और बहुत किस तरह से जोश भर कर गया, अब तो राहुल गांधी आ रहे हैं। सवाल तो ये है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, जिस तरह से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है कि जो माहौल यहाँ पर बनाकर अमित शाह गए हैं बीकानेर में, उसे तोड़ पाएंगे राहुल गांधी, उसे तोड़ पाएंगे? आप तो सेटिस्फाइड होंगे इस चीज को लेकर कि नहीं, आप भी लोग हैं और आपकी सरकार है, जनता खुश है, विकास किया है, आप इसे एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिए, क्या फर्क नहीं पड़ता, या जो प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं उसी बात के साथ हैं आप? नहीं, प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर कहा। आप देखिए तुलना क्या करते हैं, अमरूदों के बाग की रैली की तुलना करते हैं रामलीला मैदान से, तो ये कोई तुलना है? आप हमारी कहते हैं कि हमारी सभा छोटी थी और रामलीला मैदान की सभा बड़ी थी, अमरूदों के बाग की छोटी थी, तो ये आप बिल्कुल जो तुलना करें तो तथ्यात्मक तुलना करें। आज प्रधानमंत्री जी की रैली की तुलना आप राहुल गांधी जी की रैली से तुलना करो, बाकी वो करो जनता का प्रभाव देखो और सरकार के विकास के काम देखो, क्योंकि दोनों के लिए अपनी रैली ऐतिहासिक रैली होती है, दावे लाखों की जगह तो देखोगे, जगह तो देखोगे, इसके बाद भी डिंगे हाकी जाती है कि नहीं हमारी रैली ऐतिहासिक रही है और जनता हमारे साथ है। मैदान का तो कंपेयर करोगे, मैदान की क्यों कंपेयर करेंगे, मैदान में मैदान लोग बैठ सकते हैं, आपके आपकी मैं इनको बताना चाहता हूँ, पाली की मीटिंग के अंदर, जोधपुर की मीटिंग के अंदर, बीकानेर की मीटिंग के अंदर, इनके खुद के फोटोग्राफ्स उस मीटिंग के टीवी पे सबको पता है कि किस प्रकार से पंडाल खाली रहा। और जहां तक ये बात करें अमरूदों की बात की और रामलीला मैदान की, मैं बताना चाह रहा हूँ
कि आपने जिन जिन लोगों को टीचर के सहित जो लाभार्थियों को यहाँ बुलाया, इस राजस्थान की सरकार ने लाभार्थियों का तो ये हाल कर दिया कि वो लाभार्थी कह रहे हैं कि हमको अब लाभ नहीं लेना, आप हमारे हाथ जोड़ दे, कभी आप हमको प्रधानमंत्री की रैली में ले जा रहे हो, कभी अमित शाह जी की रैली में ले जा रहे हो, कभी आप जयपुर ले जा रहे हो, कभी जालौर ले जा रहे हो, कभी फलाने जिले में ले जा रहे हो। क्योंकि आज हम बात ही कर रहे हैं कि मत करो जनता के सामने मजबूत हो रही ताकत कांग्रेस की। बोलना चाहता हूँ जी जी शशि जी। श्वेता जी मैं आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। बीकानेर में जो पहले जो सम्मेलन हुआ था वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो भी संभागीय सम्मेलन था, और अभी जो हो रहा है वो भी संभागीय सम्मेलन है। बिल्कुल, और इसी मैदान में आने वाले जो बैठे हैं इनको बता दीजिए ना कि अभी आप में से एक आदमी जरूर आए इस सम्मेलन को देखने। अरे सब ये बीकानेर देखेंगे, मीडिया ही बता देगा। ये इन्होंने तो मतलब देश के प्रधानमंत्री ने हुई हुई ये तेल की उसका जो है दूसरी जगह भी उद्घाटन कर दिया। रिफाइनरी की बात कर रहे हैं आप? आप तो वसुंधरा जी की रैली की जितनी भीड़ इकट्ठी कर लो और गौरव यात्रा में हमारे नुक्कड़ सभाओं में हमारे वो उतनी कर लो। चलिए वही है कि अमित शाह तो नाप कर गए यहाँ पर कि क्या सियासी पारा, और अब राहुल गांधी आ रहे हैं, और इसलिए देखिए अहम इसलिए भी हो जाता है कि बीकानेर भी है, वही मैदान है, वही मुद्दे हैं, लोग भी हो सकता है वही पहुंचे, और दोनों को समझे कि आखिर क्या कहकर गए अमित शाह, किसके साथ जाना चाहिए, और राहुल गांधी जब आएंगे तो क्या कहेंगे यहाँ पर, उस पर भी नजर यहाँ पर रहेगी। एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अब क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां और आचार संहिता लगने के बाद एक्शन मोड में दोनों ही आ चुकी हैं पार्टियां, लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है मुकेश जी, बीजेपी के तो 50 संभावित नाम की लिस्ट भी आ चुकी है और फर्स्ट इंडिया के पास भी वो लिस्ट है, और ऐसा लगता है कि कभी भी वो लिस्ट भी जारी कर देंगे राहुल गांधी के आने का, उनके मुहर का इंतजार किया जा रहा है, जिससे साथ बैठक में भी कहा गया। क्या इस मामले में कांग्रेस दो कदम आगे बीजेपी से निकलेगी या फिर बीजेपी इंतजार करेगी कांग्रेस की लिस्ट सामने आने का पहले? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी ने 5 साल में जो सरकार ने काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, फ्लैगशिप स्कीम्स का आम जन को लाभ मिले उसका काम किया है, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और चाहे बेटी बेटियों की बात हो, किसी की बात हो, सब में हमारे विकास का काम कैंडिडेट की जो प्रक्रिया है वो आपने तो बताया भी कि पहली लिस्ट आपकी आ भी गई है, लेकिन अगर बीजेपी कांग्रेस की बात कर ली जाए, रतन जी 50 संभावित नाम की बात भी कही जा रही है, लिस्ट भी यहाँ पर निकली गई है, कभी भी मुहर लग सकती है उस पर, क्या इस मामले में बीजेपी का इंतजार नहीं करेगी कांग्रेस? कांग्रेस का अपना एक सिस्टम है, कांग्रेस का अपना एक होमवर्क है, वो होमवर्क कांग्रेस का जो है वो संबंधित लीडरशिप जो भी है वो उस होमवर्क को कर रही है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी से आगे निकलेंगे या पीछे निकलेंगे लिस्ट में, मगर ये बात जरूर है कि बीजेपी को बहुत टफ टाइम अपने कैंडिडेट्सों में और उसमें देना पड़ रहा है कांग्रेस के कंपेरिजन में, क्योंकि पहले तो वो खुद सफर कर गए 72 दिन अपने अध्यक्ष को लेकर, तो होमवर्क नहीं हो पाया, और फिर उसके बाद में उनका ध्यान जो है वो कभी बाड़मेर की रैली पे कभी उसकी रैली पे उनका ध्यान चला गया, प्लस जो इन्होंने इनिशिएशन लिया था कि गौरव यात्रा में ही हमारा होमवर्क हो जाएगा, तो गौरव यात्रा में होमवर्क और उसके बनिस्पत तो वो सारा गौरव यात्रा जो है वो इस चीज पे ही चला गया कि कौन से जिले में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा डायरेक्शन देना है ताकि तो हमारा वहां विरोध नहीं हो, वो यात्रा तो खत्म हो गई, अभी अभी काफी इनका मामला बाकी है, कांग्रेस का अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम काम कर रहा है, कांग्रेस बहुत आगे जो है अपने इस मामले में बढ़ रही है। गौरव यात्रा रहने दीजिए सरकार की, फिर से डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब डिबेट तो रोज ही चलेगी, मुद्दे भी रोज आते हैं और बीजेपी कांग्रेस से ज्यादातर मुद्दे निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, शशि जी आपका भी शुक्रिया, बीकानेर से आप हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने डेरा डाल रखा है क्योंकि अब राहुल गांधी आ रहे हैं, इससे पहले अमित शाह आए थे, किस तरह की तैयारियां थी, दावे हालांकि लाखों की भीड़ जुटाने के कहे जाते हैं, शशि जी कह रहे हैं 5 लाख लोग यहां पर जुटेंगे, जनता पहुंच रही है, लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस की जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से दोनों ही एक्शन मोड में हैं, क्या कांग्रेस यहां पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है तैयारियों के मामले में? बैठकों का दौर भी दोनों तरफ से शुरू हो गया, और देखना ही होगा कि जब कल राहुल गांधी आएंगे, उनका संबोधन होगा, उनके जाने के बाद किस तरह की लहर रहती है, क्या मोदी लहर बरकरार रहती है, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है, जिन बातों को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, वो देखने को मिलता है। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको।